हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू बैक स्टडी पॉइंट तो आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर फोर से औद्योगिकरण का युग से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपको प्री बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे तो आप प्री बोर्ड देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था तो बेसिकली जो चैंबर ऑफ कॉमर्स था ना वो सामूहिक जो चिंता होती थी उसके मुद्दों पर फैसला लेने और जो व्यवसाय था उसको ठीक तरह से चला सके इसीलिए 19वीं सदी में ना इसको इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स जो है उसकी स्थापना कर गई थी ताकि जितने भी व्यवसाय से रिलेटेड चीजें हैं सामूहिक चिंता से रिलेटेड चीजें हैं उन पर ना अच्छे से उद्देश्य इनके उद्देश्य को पूरा किया जा सके और इन पर फैसला लिया जा सके इसलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थापना की गई थी ठीक है और जो भारत था उसमें पहला चैंबर जो था मद्रास में खोला गया था और राष्ट्रवादी संदेश था कि भारतीय निर्माताओं के विज्ञापनों में राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था ठीक है और उनका कहना था कि अगर राष्ट्र की परवाह करते हो तो उन चीजों को खरीदे जिन्हें भार भारतीयों ने बनाया हो अगर यहाँ इसमें बताया गया था कि अगर आप राष्ट्र के अपने परवाह करते हैं तो केवल उन चीजों को खरीदें जिनको भारत द्वारा बनाया गया था ठीक है और वे जो विज्ञापन जो स्वदेशी वस्तुओं के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे इस टाइम जो विज्ञापन मिल रहे थे बन रहे थे वो ना राष्ट्रवादी जो संदेश संदेश दे रहे थे अपने राष्ट्र के प्रति अगर आप राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं तो ऐसी जो उस टाइम विज्ञापन छपते थे वो इसका प्रतीक हुआ करते थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाथ का श्रम और जो वाष्प की शक्ति थी उसमें बेसिकली क्या आ, उस जो शक्ति थी उसमें क्या अंतर होता था हमें ये बताना है तो ठीक है तो बेसिकली जो हाथ का श्रम होता था और जो वाष्प की शक्ति होती थी उसमें बेसिकली ये होता उस जमाने में क्योंकि जो श्रमिक थे उनको कोई काम नहीं होता था इसीलिए जो श्रमिक थे ना उनकी किल्लत होती थी या फिर अधिक परिश्रमी की कोई समस्या नहीं थी इसीलिए ना महंगी मशीनों में पूंजी लगाने की अपेक्षा जो श्रमिक थे उनसे काम लेना बहुत बेहतर समझा जाता था वो इस टाइम ऐसा सोचते थे कि श्रमिकों की तो कमी है नहीं श्रमिकों के पास कोई काम नहीं होता लोगों के पास तो उतना रोजगार था नहीं तो श्रमिकों को की कोई किल्लत ही नहीं होती थी उनको कम पैसे देकर भी वो काम करवा सकते थे तो उस टाइम वो इसलिए सोचते थे कि मशीनों में क्या इतने पैसे पूंजी लगाना इससे बेहतर हम श्रमिकों से ही काम करवा लेंगे और हम वेतन भी देंगे तब भी चलेगा ठीक है पहला रीजन ये था दूसरा कि जो मशीन से बनी हुई चीजें होती थी वो एक जैसी होती थी लेकिन जो हाथ से बनी हुई चीजें होती थी ना उनकी गुणवत्ता और जो सुंदरता होती थी उसका मुकाबला जो मशीनें थी वो नहीं कर पाती थी क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो हाथ से बनी हुई चीजों को अधिक पसंद करते थे लेकिन जब 19वीं सदी के दौरान अमेरिका में क्या हुआ ना स्थिति कुछ अलग ही थी वहां पर जो श्रमिक थे ना उनकी कमी होने के कारण क्या हुआ मशीनीकरण ही एकमात्र रास्ता बन गया था उस टाइम क्या हुआ था वहां पर श्रमिकों की कमी हो गई थी अमेरिका में इसलिए वहां पर मशीनीकरण ही हो आ गया पर हमारे यहाँ क्या था कि ना और बाकी जगहों पर क्या था श्रमिकों की कमी होती नहीं थी इस वजह से ना वो हाथ के श्रम को ज्यादा बेहतर मानते थे इन कंपेरिजन टू वास्तु की शक्ति के ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके थे ये पिछले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता है कि जो नए उद्योगपति आ रहे थे जो परंपरागत उद्योगपति थे या उद्योग थे उनकी जगह क्यों नहीं ले पा रहे थे तो बेसिकली क्योंकि ना जो औद्योगिक क्षेत्र था उसमें काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी संख्या कम थी उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर होते थे उनकी संख्या कम थी और जो टेक्नोलॉजी थी वो बदलाव की गति ना बहुत धीरे धीरे थी प्रौद्योगिकी की जो बदलाव थी स्पीड थी वो बहुत धीरे धीरे थी ठीक है और जो कपड़ा उद्योग था वो एक गतिशील उद्योग था क्योंकि इसमें गति की आवश्यकता होती है परंतु टेक्नोलॉजी के विस्तार हो रहा था वो धीरे धीरे हो रहा था और जो प्रौद्योगिकी है वो उस टाइम काफी महंगा भी होता था और उत्पादन का एक बड़ा भाग क्या था कि कारखाने की बजाय गृह उद्योगों में पूरा होता था जितना भी उत्पादन होता था उसका उस पूरे उत्पादन में से एक बड़ा भाग जो था वो गृह उद्योगों से घर में जो उद्योग हुआ करते थे उनसे पूरा होता था तो ये रीजन था कि जितने भी नए उद्योगपति आ रहे थे वो परंपरागत उद्योगों की जगह नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो महंगे भी थे और धीमे भी थे उनकी प्रौद्योगिकी ठीक है और उनका अधिकतर जितना भी उत्पादन हो रहा था वो अधिकतर जो ग्रह उद्योग से ही हो जा रहा था और काम करने वाले उद्योग में मजदूर भी कम थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि औद्योगिकरण का युग क्या था तो बेसिकली औद्योगिकरण का युग वो होता है जब ना हस्त निर्मित वस्तुओं को बनाना कम हो गया हो जाता हो और फैक्ट्री में जितनी भी मशीन है टेक्नोलॉजी है उसका विकास हुआ हो तो जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई हो, गय, हो और फैक्ट्री और मशीन जो है और टेक्निक जो है उसका विकास हुआ हो तो उसको बेसिकली औद्योगिकरण का युग कहा जाता है ठीक है इसमें खेती हर जो समाज था वो औद्योगिक समाज में बदल जाता है पहले क्या था इसमें क्या होता है कि जो जितना भी खेत पर रिलेटेड होते हैं समाज डिपेंडेंट uh, होते हैं वो अब औद्योगिक समाज में परिवर्तित होने लगते हैं ठीक है थीके? और 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकरण का युग कहा गया था ठीक है जो मनुष्य के लिए खेल परिवर्तन नियम जैसा था खेल में जैसा परिवर्तन हो जाता है ना वैसे ही एक तरह से मनुष्य के लिए था ठीक है तो बेसिकली का युग वो जब हस्त निर्मित वस्तुएं बनना कम हो जाए और फैक्ट्री की और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं उसमें आने से जो बुनकर थे उनका क्या हुआ जब यूरोपीय कंपनियां आई तो उनके आने से पहले उनका कैसा से हमें ये बताना है ठीक है तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके द्वारा क्या हुआ सत्ता स्थापित करने से पहले जो बुनकर थे वो बेहतर स्थिति में थे क्योंकि उनके पास ना उनका उत्पाद खरीदने वाले बहुत खरीदार हुआ करते थे तथा ना वो मेल मोल भाव भी कर सकते थे और जो उनका सामान सबसे ज्यादा मूल्य में लेता था वो उनको ही बेचते थे जो उनकी कीमत सबसे ज्यादा देता था उनकी वस्तुओं की ठीक है कब जब ईस्ट इंडिया नहीं आई थी उससे पहले परंतु जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है तो वो सारी चीजों में अपना नियंत्रण कर लेती है जिस वजह से क्या होता है जो बुनकर होते हैं उनकी स्थिति जो है वो तो हो जाती है, है? ठीक और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इसी से रिलेटेड है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके आने के बाद जो बुनकर थे उनकी स्थिति कैसी थी तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद जो बुनकर की स्थिति थी वो ना भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया जितना भी व्यापार था भारत में उसका एकाधिकार किसका हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का और जो कपड़ा व्यापार था उसमें सक्रिय व्यापारियों तथा जो तो दलाल हुआ करते थे उनको खत्म करके बुनकरों पर प्रत्यक्ष पर नियंत्रण जो था बुनकरों को अन्य खरीदार के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई जितने भी बुनकर थे उन पर ना दलालों के द्वारा व्यापारियों के द्वारा उन पर नियंत्रण किया गया और उनको ये कहा गया कि आप अन्य व्यापारियों अन्य दलालों के साथ अपना व्यापार नहीं कर सकते केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार हो गया ठीक है और जो बुनकर थे ना उन पर निगरानी रखने के लिए भी गुमाशत नाम के वेतन भोगी कर्मचारियों के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया ठीक है और ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त किया गया जो बुनकरों पर ध्यान रखते थे कि वो किसी और से व्यापार ना कर ले अपना सामान कहीं ना भेज दे राइट फिर बुनकर जो थे वो गुमाशत के बीच अक्सर टकराव होते रहते थे ऑब्बियसली बुनकर और गुमाशत जो थे उनके बीच अक्सर टकराव होते रहते थे तो जो बुनकर थे ना उनको कंपनी से मिलने वाली जितने भी कीमतें थी वो बहुत कम होती थी पहले तो वो अपने अकॉर्डिंग जो ज्यादा कीमत देता था उनको देते थे पर उनको जो था वो बहुत कम कीमत मिलने लगा था कुछ तो हम कुछ इस प्रकार बता सकते हैं कि बुनकरों की स्थिति जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद और भी ज्यादा खराब हो गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं तो अगर हम कहें तो अर्थशास्त्रियों का कहना यह है कि जो विकास की गति है वो तीव्र करने के लिए वाणिज्यवाद या मुक्त व्यापार की जो नीति है वो अपनाई जानी चाहिए इसमें क्या होता है ना सरकार को उद्योग और जितने भी व्यापार होते हैं उसमें या तो बिल्कुल ही हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या फिर कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए बेसिकली मुक्त व्यापार इसके नाम से पता चल रहा है जो व्यापार है ठीक है तो इस सिद्धांत में क्या हुआ था ना बेसिकली uh, मुक्त व्यापार यानी फ्री तरीके से व्यापार हो सके जो सरकार है उसमें हस्तक्षेप ना करे व्यापार में और करे भी तो बिल्कुल कम तो तो से कम करे और इस सिद्धांत को 1776 में जो ब्रिटेन है वहां के अर्थशास्त्री एम स्थि, इस, स्थिम ने पेश किया था एम एम इस जो थे उन्होंने इस ब्रिटेन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसको पेश किया था ठीक है और संरक्षण की जो नीति है वो नए उद्योग को कठोर प्रतियोगिता से बचाने के लिए नीति को लागू करना था इसका बेसिकली उद्योग नीति यह थी संरक्षण की नीति को की ना व्यापार को बचाया जा सके और जो उद्योग है उनको जितने भी कठोर प्रतियोगिता कठोर जो टफ कंपटीशन होता है उससे बचाने के लिए नीति को लागू करा जाए और शाही जो प्राथमिकता थी ब्रिटिश जो शासन काल था उसमें ब्रिटेन से जो भारत में आयात की जा रही जो वस्तुएं थी ना उनका विशेष सुविधाएं एवं विशेष अधिकार प्रदान किया गया जितनी भी वस्तुएं जो ब्रिटेन से भारत में आयात करी जा रही थी उनको विशेष सुविधाएं मिली और विशेष अधिकार प्रदान किए तो बेसिकली अगर हम मुक्त व्यवहार की बात करें तो मुक्त व्यवहार यानी फ्री तरीके से बिना किसी हस्तक्षेप के सरकार के द्वारा व्यापार को किया जा सके और संरक्षण के लिए इसको अर्थशास्त्री को कहना था कि इसको अगर तीव्र गति से विकास करना है आगे बढ़ना है तो मुक्त व्यापार की नीति को अपनाना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जॉबर कौन होते थे तो जॉबर एक तरह से ना एक व्यक्ति होते थे जो कि क्या, कौन होते थे उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर रख रक रखा था वो क्या होता था एक पुराना कर्मचारी होता था जिस पर उद्योगपतियों को बहुत ज्यादा विश्वास हुआ करता था तो बहुत पुराना कर्मचारी हुआ जाता था, था। उसी को ना जॉबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था उसी को जॉबर कह दिया जाता था उसको जॉबर की तरह रख लिया जाता था तो बेसिकली जो बेसिकलीबर था उसका कार्य यह था कि वो गांव से लोगों को लाता था और काम का भरोसा देता था और शहरों में ना सेटल होने के लिए बसने के लिए भी मदद करता था तो जॉबर एक ऐसा व्यक्ति होता था परंतु बाद में क्या होता है जॉबर धीरे धीरे ना मदद करने के लिए हेल्प करने के लिए पैसे मांगने लगता है तोहफे मांगने लगता है ठीक है क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा विश्व विश्वस्त कर्मचारी होता है उद्योगपतियों के लिए तो इसीलिए उसको जो है लोगों को लाता है और भरोसा दिलाता है पैसे और तोहफे भी मांगने लग गया ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी क्या था तो स्पिनिंग जेनी की बात करें तो एक सूत काटने की मशीन होती थी जो जेम्स हर गिवे द्वारा सत्रह चौसठ में बनाई गई थी ठीक है अगर हम बात करें तो जो जेम्स हर गिव्स लिवर्स थे उन्होंने सत्रह चौसठ में इसको बनाया था जो कि एक सूत काटने वाली मशीन थी ठीक है और स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध क्यों हुआ क्योंकि जब 19वीं सदी के मध्य तक अच्छे दौर में भारी शहरों की आबादी का लगभग दस परसेंट जो है वो अद्यक गरीब हुआ करता था दस परसेंट जो लोग होते थे वो गरीब ही हुआ करते थे और आर्थिक मंदी के कारण क्या हुआ था बेरोजगारी बढ़कर पैंतीस से ले पचहत्तर प्रतिशत के बीच में हो गई थी आ, आर्थिक मंदी जो थी बेरोजगारी जो थी लोगों के पास रोजगार की कमी थी और अब इस टाइम वो और बढ़ गया था और इसकी वजह से क्या हुआ बेरोजगारी की आशंका की वजह से जो मजदूर थे वो नई टेक्नोलॉजी से चिड़ने लग गए थे उस उनका क्या हो रहा था कि रोजगार उनको मिल नहीं रहा था और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी जिसकी वजह से जो उद्योग मजदूर थे ना वो उससे ज्यादा और ज्यादा चिड़ने लग गए थे ठीक है और जब उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो उस वजह से क्या हुआ मशीनों पर वो लोग ना हमला करने लग गए कि एक तो हमारे पास रोजगार नहीं है और ऊपर से मशीनें आ रही हैं और मशीनों की वजह से उनका रोजगार और भी छिन जा रहा है इस वजह से वो चिड़े हुए थे और उन मशीनों पर भी वो हमला करने लग जाते हैं और फिर 1840 के दशक के बाद जो रोजगार के अवसर थे ना उसमें वृद्धि हुई क्योंकि सड़कों को चौड़ा किया गया नए रेलवे स्टेशन बने रेलवे लाइनें का विस्तार हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ रोजगार में वृद्धि हुई पर स्पिनिंग जोनी का विरोध क्यों हुआ जैसा कि मैंने अभी बताया और ये बेसिकली स्पिनिंग जोनी जो थी वो एक सूत काटने की मशीन थी ठीक है जो कि सत्रह में बनाई गई थी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि उन्नीसवी शताब्दी में यूरोप के जो उद्योगपति थे उनको मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को अधिक पसंद क्यों करते थे ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से वो हाथ के श्रम को ज्यादा पसंद करते थे इन कंपैरिजन टू मशीनों के ठीक है तो हम बात करें तो जो ब्रिटेन के उद्योगपति थे उनको मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी वहां पे जितना भी उद्योगपति थे उनको मानव श्रम इजीली मिल जाता था वहां पे कोई कमी नहीं थी और जो मशीन हुआ करते थे उनको इसलिए लगाना नहीं चाहते थे वो क्योंकि जो मशीनें है ना उनके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती थी और उतने में वो कई मजदूर रखकर उनको कम वेतन देते तभी काम चल जाता क्योंकि श्रम की वहां पे कोई कमी नहीं थी ठीक है तो वो इसीलिए वो निवेश नहीं करते थे मशीनों में उनको पसंद नहीं था अधिक पूंजी लगाना मशीनों में ठीक है और लेकिन कुछ मौसमी जब उद्योग थे उनके लिए वे उद्योग में श्रमिकों द्वारा हाथ से काम करवाना अच्छा समझते थे क्योंकि वो मशीनों में एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो उसको तो रखना पड़ेगा हमेशा के लिए उसका खर्चा करना ही पड़ेगा परंतु कुछ सीजनल उद्योग होते हैं जिसमें कभी-कभी उद्योगपतियों को श्रमिकों की आवश्यकता होती है कभी नहीं होती है तो इस 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 सिचुएशन में भी वो श्रमिकों से हाथ के काम करवाना ज्यादा पसंद करते थे ठीक है और जो बाजार होता था उसमें अक्सर क्या होता था जो बारीक डिजाइन होते थे ना खासकर जो आकारों वाली चीजें होती थी उनकी मांग रहती थी और जो की हस्त कौशल पर निर्भरता हाथों द्वारा जो बनाया जाता था उनसे अधिक बारीक डिजाइन वगैरह बना दिए जाते थे परंतु जो मशीन होते थे वो उनसे एक ही तरह के कपड़े छपते थे तो इस वजह से भी जो उद्योगपति थे उन्नीस शताब्दी में यूरोप के उनको हाथ का श्रम जो था वो ज्यादा पसंद था नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यापारियों का गांव पर ध्यान देने के क्या कारण थे ऐसे कौन कौन से रीजन थे कारण थे जिनकी वजह से जो व्यापारी थे ना वो गांव पर ज्यादा ध्यान देते थे तो पहला रीजन यही था कि जो शहर थे ना उसमें ट्रेड क्राफ्ट गिल्ड और बहुत सी शक्तिशालियां होती थी इसमें शक्तिशाली लोग होते थे शहरों में क्या होता था वो उनका अपने आ... अपनी हर चीज पर उनका जो बड़े बड़े लोग होते थे शहरों में उनका अधिकार होता था वो शक्तिशाली होते थे पावरफुल होते थे अगर कोई नया आता था तो उसको जल्दी बसने नहीं देते थे तो इस प्रकार क्या होता था ये जो संगठन थे वो प्रतिस्पर्धा और जो कीमत है उस पर ये जो संगठन थे वो चाहते थे कि कॉम्पिटिशन से वो बच सके और जो कीमतें हैं उस पर वो अपना नियंत्रण रख सके इसलिए वो गाँव की ओर मुख्य करना ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि गाँव में उनका कॉम्पिटिशन भी नहीं मिलता था इतना और वो कीमतें भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते थे और क्योंकि शहरों में क्या होता था वो नए लोगों को ना बाजार में काम शुरू करने में करने से भी रोक देते थे शहरों में ठीक है और इसीलिए किसी भी व्यापारी के लिए शहर में नया व्यवसाय शुरू कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था एक तो शहरियों का अपना कंट्रोल होता था हर चीज पे वो शक्तिशाली होते थे और नए लोगों को नए व्यापारियों को बसने भी नहीं देते थे ठीक है ये रीजन भी था कि वो गाँव की तरफ जो व्यापारी थे वो ध्यान देते थे और इसलिए ना वे गाँव की ओर मुख्य करना ज्यादा पसंद करते थे शहरों से ज्यादा ठीक है तो ये रीजन थे आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो को और आपको कोई चीज एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखिए आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और फिर भी अगर आपको कुछ भी और समझना हो तो आप चैप्टर के वीडियो को भी जाके देख सकते हैं उसमें और भी चीजें डिटेल में बताई गई है ठीक है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग